गुड मॉर्निंग 8th क्लास, नाउ वी स्टार्ट सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 10। देर आर 4 क्वेश्चन जिसमें से मैं आपको सेकेंड एंड थर्ड करा रही हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ आपको सेल्फ करना है। सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली, ओके बेटा। 2/5 × −1/9 + 2/5 × −3/7। अब इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें दो चीज़ें साथ में दी रहती है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या है, तो कौन से दो नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई किन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच, नंबर्स के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में है, तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों में देखो ऊपर नीचे कुछ कट हो रहे हैं क्या, यहाँ यहाँ नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 = 2, ये 1 माइनस में है तो माइनस के 2, 4 × 9 = 45 + 2 × 3 = 6 माइनस के 6, और माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। 2 × 3 = 6 / 7 × 5 = ये भी कट नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम लोग 7 × 5 = 35। ओके, ये हमने कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी कट नहीं हो रहा है, देखो ऊपर नीचे कट ही नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट रहेगा कि हमारा कुछ भी कट नहीं होता, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 35, 5 से जा रहा है, 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, फिर 3 × 3 = 9, 7 आता ही नहीं है 3 के टेबल में, फिर 3 × 3 = 9, 1 टाइम में 7, 7 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 1। तो व्हाट इज़ द एलसीएम, 5 × 3 × 3 × 7, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 45, और 45 × 7 = 35, 3 × 7 = 28, 28 × 29 = 30, 31 ये आया, यानी 315। अब 45 के टेबल में 315 कितने टाइम में आता है, देखो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, यानी 7 टाइम में, ठीक है। तो 7 नहीं पता तो ऐसे करके देख लो, ये देखो दिखा ना 45 × 7 = है ना, तो 7 × ऊपर का न्यूमरेटर −2 प्लस 35 के टेबल में ये 315, देखो ऐसे करेंगे 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 9, यानी 9 टाइम में, 9 × −6। अब क्या होगा, 315, 7 × 2 = 14 माइनस प्लस 9 × 6 = 54, फिर −14 ± −54, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 315, 4 × 4 = 6, 4 × 4 = 8 और 5 × 1 = 6। यस, ये हो गया आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। कुछ भी कट हो रहा हो तो पहले कट कर लिया करो, नहीं कट होता है तो अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, 4 × 2 = 8 माइनस के 8, 9 × 5 = 45 प्लस 4 × 7 = 28, इसको ब्रैकेट में देखो, 4 इसमें भी कट नहीं हो रहा है, 4 × 7 = 28, 55 इसमें भी यही सेम, 50, 45 और 50, इनका एलसीएम ले लो, फाइव, फिर ये दोनों देखो 3, 11 प्राइम नंबर है तो 11 खुद की टेबल में ही जाएगा, तो 5 × 3 × 3 × 11, तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करो,
45 इंटू 11, 11 फाइव जा 55, 5 11 फोर जा 44, 44 और 5 कितना होता है 44 और 5 49। फोर नाइन्टी फाइव के टेबल में देखो ये कितने टाइम में आ रहा है 495, 11 टाइम में। तो 11 इंटू माइनस के 8 प्लस, और ये 55 कितने टाइम में आ रहा है 9 टाइम में, तो 9 इंटू माइनस के 28। फिर नेक्स्ट 11 8 जा 88 प्लस, ये देखो 8 9 जा 72, 7 8 ना 2 9 2 ये 18, 18 में 7 प्लस करो 18, 19 20 21 22 23 24 25। प्लस माइनस माइनस 8 और 2 10, 5 और 8 13, 14 3